हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल हेमास किचन में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ दाल मखनी की रेसिपी, जो कि बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनकर तैयार होगी, वो शेयर करूंगी। और फ्रेंड्स, इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मसाले या किसी तामझाम की जरूरत नहीं है, ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी। और साथ में मैं आपको तंदूरी रोटी बनाने की ट्रिक भी बताऊंगी, जो कि आप आराम से अपने घर में बना सकते हैं। और इस तरीके से आप दाल मखनी और तंदूरी रोटी या नान जो भी बनाना चाहते हैं बना लेंगे। एक बार अगर आपने इस तरीके से ट्राई कर लिया और बना लिया तो गारंटी है कि आप बाहर जाकर खाना पसंद ही नहीं करेंगे, हमेशा इसे घर में ही बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक कप उड़द की दाल ली है। ये उड़द साबुत दाल है, आप दाल मखनी की दाल भी बोल सकते हैं इसको, ये उड़द साबुत है। और इसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दिया था। अब सुबह मैं इसको बॉयल करूँगी। बॉयल करने के लिए जो मैंने जिसमें सोक किया था वो पानी को मैं फेंक दूँगी और इसको निकाल कर मैं दूसरा पानी डालूँगी इसमें। मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 गिलास पानी डाला है और साथ में मैं नमक डाल दूँगी इसमें। नमक फ्रेंड्स ज़्यादा ना डालिए आप इसके अंदर। और इसमें मैं विसल लगा लूँगी, आप ज़्यादा विसल भी ना लगाएं इसमें। अगर आपका कुकर छोटा है तो 2 से 3 विसल के अंदर ये आराम से हो जाएगी, अगर ये आपने ओवरनाइट सोक की है तो। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ये दाल जो है वो बॉयल हो गई है। इसमें मैंने 3 सीटियाँ लगाई हैं। कई बार जो होता है फ्रेंड्स, पानी का भी फ़र्क हो जाता है तो हमें विसल जो है कुकर में ज़्यादा लगानी पड़ती है इसको गलाने के लिए, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए इसको। मैंने यहाँ पर 3 विसल लगाई हैं और ये दाल अच्छे से गल चुकी है। इसे हमें ज़्यादा भी नहीं गलाना है, ये थोड़ा सा इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं ना, इस टाइप की रहे, क्योंकि आगे जब हम इसे कुक करेंगे ना मसाले के साथ तो जैसा हमें टेक्सचर चाहिए वैसा इसमें आ जाएगा। दाल का तड़का तैयार करने के लिए अब हम दूसरा पैन लेंगे। इसमें अब फ्रेंड्स मैं ये 3 बड़ी करछी जो है आप देख रहे हैं, ये वाला 3 से 3.5 करछी में ऑयल डाल दूँगी। अगर आप ऑयल ज़्यादा खाना पसंद करते हैं इसमें ऑयल और डाल सकते हैं आप। और इसे मैं मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा आता है। आपकी मर्ज़ी, आप जिस तेल में इसको खाना चाहते हैं बना सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। मस्टर्ड ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है। अब मैंने इसके अंदर 1 चम्मच जीरा डाला है, तेज़पत्ता डाला है, दालचीनी का 1 टुकड़ा डाला है और साथ में मैंने जो बड़ी इलायची होती है उसका जो ऊपर का छिलका होता है वो डाला है। बड़ी इलायची के सीड्स हैं वो हम बाद में डालेंगे। और इसके अंदर फ्रेंड जो डोमिनेटिंग फ्लेवर होता है वो बड़ी इलायची का ही होता है, तो वो डालेंगे हम इसमें। और यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो है मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। इसमें अदरक और लहसुन डाले हैं मैंने, 5 से 6 जो कलियां होती हैं लहसुन की वो डाली हैं, उनको अच्छे से ग्रेट कर लिया है और मैंने अब उनको भून लिया है। अब यहाँ पर मैं लंबी लंबी अदरक काट के डाल रही हूँ। वो मैंने पहले इसलिए नहीं डाली फ्रेंड्स, क्योंकि वो इसके साथ हमें गल जाती हैं, प्याज के साथ पूरी तरह वो मैश हो जाएगी और हमें मैश नहीं करनी है। मैंने यहाँ पर बहुत कम अदरक डाली है क्योंकि मैंने यहाँ पर प्याज के साथ भी ग्रेट कर ली थी। आप और अदरक अच्छी लगती है आपको तो और डाल सकते हैं। अब मैंने इसको मसाले को अच्छे से, यानी कि ये जो प्याज है हमारी पूरी भून चुकी है, इसको हल्का सा कलर चेंज करना, और जब प्याज आपकी पक जाएगी यानी भून जाएगी तो आपको खुशबू भी से भी पता चल जाएगा। अब मैं इसके अंदर मसाले डालूंगी। मसालों में फ्रेंड्स मैं यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ 1 चम्मच भरकर। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालिए। अगेन मैं आपको यही कहूँगी, ये घर के पिसे हुए मसाले हैं इसलिए क्वांटिटी थोड़ी कम लगती है। और आपको पता होगा कि आपके घर पे जो मसाले हैं वो कितना, मतलब कैसा टेस्ट देते हैं, तो उस हिसाब से आप उनको डालिए। अब मैं यहाँ पर इसको पहले लाल मिर्च डालकर उसको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर गैस बिल्कुल लो पर है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है और हल्दी, अगर आप इसमें खाना चाहते हैं अच्छी लगती है तो डालिए, वरना मैं इसमें हल्दी स्किप ही करती हूँ। और मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाला है 1/2 चम्मच। हल्दी को फ्रेंड्स मैं दाल मखनी में डालना अवॉइड ही करती हूँ, अगर डालना चाहते हैं तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच भर कर कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इनको अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स। और अगर आपको लग रहा है इस टाइम पर मसाले जल रहे हैं तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब आप नमक ऐड करेंगे तो ध्यान रखिए कि पहले भी बॉयल करते वक्त दाल को हमने नमक डाला है। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के जो टमाटर हैं उनको अच्छे से
छिलका उतार लिया है उनका और सीड भी निकाल दिए हैं। फ्रेंड्स मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ और वो डाले हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच टमाटो प्यूरी डाल रही हूँ। ये टमाटो प्यूरी होममेड है फ्रेंड्स। इसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड की हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अब इनको हम अच्छे से भून लेंगे फ्रेंड्स, और इस टाइम पर जो है हमारे टमाटर गल भी जाएंगे, जो मैंने छोटे छोटे चॉप कर कर डाले हैं वो गल जाएंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं फेंट कर ताज़ा दही डाल रही हूँ, 3 से 3.5 चम्मच डाल सकते हैं, खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर खट्टा है आपका दही तो आप थोड़ा कम कर दीजिए। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर कर, जब तक ये मसाला तेल छोड़ेगा जब तक मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। फ्रेंड्स जो आपकी गैस है वो आप अपने हिसाब से हैंडल कर लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आप किस पैन में पका रहे हैं, उसकी तली कैसी है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 1 चम्मच भरकर जो हमने बड़ी इलायची के सीड्स निकाले थे उनको थोड़ा सा दरदरा करके, या आप बिल्कुल महीन पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इनको अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी, यानी मसाले को भून लूँगी। हमारा जो मसाले से तेल अलग होने लग जाएगा तो हमारा ये मसाला पक जाएगा। अब फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर हींग भी ऐड कर दी है। ये देखिए फ्रेंड्स मसाला अब हमारा पक चुका है, यानी इसमें से तेल सेपरेट हो गया है। अब इसके अंदर हम जो हमने दाल मखनी बॉईल करके रखी हुई थी अब उसको मिक्स कर देंगे। पहले थोड़ा सा डाल के, 1-2 चम्मच डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये पूरा मसाला हम दाल मखनी के अंदर जो हमने पूरी सारी बॉईल करके रखी थी उसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी जो दाल की कंसिस्टेंसी है वो इस टाइम पर एकदम परफेक्ट है, बट अभी इसे हमें पकाना है। और तो मैं यहाँ पर 1/2 ग्लास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी इसमें ऐड करूँगी, और बिल्कुल सिम गैस पर, एकदम लो फ्लेम पर मैं इसको पकाऊँगी थोड़ा टाइम के लिए। और इस टाइम पर आप नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर नमक कम है तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं आप। अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर जो घर का निकला हुआ फ्रेश मलाई है वो यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब ऐड करूँगी। अगर आप घर का मलाई नहीं डालना चाहते तो इसमें अमूल फ्रेश क्रीम भी मिला सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कौन सा टेस्ट पसंद करते हैं। साथ में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच जो बड़ी इलायची के सीड्स का पाउडर था वो मैंने यहाँ पर 1/2 चम्मच ऐड किया है, और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और अगर फ्रेंड्स आप इसमें क्रीम की क्वांटिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो आप इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 चम्मच ही ताज़ा मलाई जो है, वो पुराना मलाई यूज़ नहीं करना वरना उसकी स्मेल आ जाएगी, और फ्रेश मलाई यूज़ करना है फ्रेंड्स इसके अंदर, मैंने वो ऐड किया है। अब मैं इसको बिल्कुल सिम गैस पर ढककर इसको अभी पकाऊंगी, और कम से कम इसको 3 से 4 मिनट बाद हम दोबारा देखेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स बीच बीच में आपको चेक करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है पैन की जो तली होती है उसके हिसाब से इस चेक करते रहिए, अगर ये लग गई तो इसमें जो है वो जलने की स्मेल आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स अभी इसको 2 मिनट हुए होंगे और मैं इसको इस कड़छी से चला रही हूँ ताकि ये नीचे पैन में लग ना जाए। अभी मैं इसको थोड़ी देर और पकाऊँगी। ये देखिए फ्रेंड्स जैसी हमें कंसिस्टेंसी चाहिए अब दाल मखनी की वैसी कंसिस्टेंसी तैयार है, और कुछ टाइम बाद ये थोड़ी सी और थिक हो जाएगी, यानी गाढ़ी हो जाएगी। अब मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया कटा हुआ डालूंगी फ्रेंड्स इसमें मैं, और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मलाई और ऐड किया है। ये सब चीज़ें जो आपको मैं बता रही हूँ, मलाई वगैरह, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। आप कितना खाना चाहते हैं, आप कम खाना पसंद करते हैं तो आप कम डालिए, और आप अगर आपको घर की मलाई नहीं खानी है तो आप दूसरा जो है अमूल फ्रेश क्रीम वो भी डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा आपको लिक्विडी लग रहा है, ये कुछ टाइम बाद थोड़ी सी ये थिक हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा लिक्विडी रख रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स दाल मखनी बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से फ्रेंड्स एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, ये बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, और टेस्ट इसका एकदम ऑथेंटिक आएगा। जैसा आप बाहर रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं दाल मखनी, इसका वैसा ही टेस्ट आएगा। आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को मेरे कहने पर बनाकर देखिए। इस दाल मखनी को फ्रेंड्स आप पराठों के साथ, नान के साथ, चावल के साथ, जिसके साथ खाना चाहते हैं ना आप खा सकते हैं। आज फ्रेंड्स मैं आपको इसके साथ खाने के लिए गैस पर तंदूरी रोटी हम किस तरीके से तैयार करें वो वाली ट्रिक शेयर करूंगी आपके साथ। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे चैनल पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स आप बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, और मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स। और आप साथ में ये भी बताइए फ्रेंड्स कि मैं आपके लिए और कौन सी रेसिपी ट्राई करके आपको दिखाऊँ। देखिए फ्रेंड्स अब मैं आपको तंदूरी रोटी बनाने का तरीका शेयर करने वाली हूँ, और तंदूरी रोटी बनाने के लिए हम अपना जो डो है यानी आटा किस तरीके से लगाते हैं वो मैं आपको किसी दूसरी वीडियो में बताऊँगी।
यहाँ पर फ्रेंड्स जो तंदूरी रोटी बनाने के लिए आटा हम लेंगे यानी ये जो लोई लेंगे ना हम, वो थोड़ी मोटी होगी और उसको हम जैसे कोई हम पराठा वगैरह फिल करते हैं उसके लिए उसके अंदर बीच में हम घी या मक्खन जो भी आप खाना पसंद करते हैं ना वो आप उसके अंदर थोड़ा सा लगा लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा आप छिड़क लीजिए। और जैसे हम किसी पराठे को अभी जैसे आप वीडियो में देखेंगे, ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम उसको अच्छे से बंद कर लेंगे। इसकी जो लोई होती है ना फ्रेंड्स थोड़ा सा मोटा, तंदूरी रोटी को हम थोड़ा सा मोटा रखेंगे वरना ये बहुत टाइट हो जाएगी। इसके तरीके से जो है आपकी बहुत ही सॉफ्ट रोटियां तैयार होंगी। इसको हम बेल लेंगे, जौन सी शेप आपको पसंद है, गोल या ऐसे ओवल शेप, जौन सी भी आप शेप रखना चाहते हैं आप बना सकते हैं। मेन इसमें मैटर रखता है आपका डो कैसा लगा हुआ है। ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से बेल लिया हमने इसको और इसको उठाकर हम जो साइड नीचे थी वहाँ पर जो है हम इसके अंदर पानी लगा लेंगे, इसको पानी से पूरा गीला सा कर लेंगे और जिस साइड हमने पानी लगाया ना उस साइड हम तवे को अच्छा सा गर्म करके उसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। ये रोटी हमारी चिपक जाएगी इस पर। अगर आप इसके ऊपर अभी इस टाइम मेरे पास जो है काले वाले तिल नहीं है, सफ़ेद तिल है, बट वो लगाने से इतना अच्छा इसमें लुक नहीं आता। यहाँ पर आपके पास काले तिल या कलौंजी वगैरह है तो वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर धनिया लगा रही हूँ। फ्रेंड्स जब जो तवे की साइड हमने पानी लगा के चिपकाया था जब वो थोड़ा सा सेट हो जाए तो इस तरीके से जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं तवे को उठा के जिस जहाँ पर भी हमारी रोटी जो है सेक लगना है ना, सेकनी है, इस तरीके से हम इस साइड की रोटी को सेकेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स एक साइड तो हमने गरम तवे पे चिपका दिया और दूसरी साइड की रोटी जैसा आपने अभी पीछे वीडियो में देखा है, मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके दिखा दूँगी और यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से तैयार है। इसमें बिल्कुल तंदूरी टेस्ट आएगा रोटी के अंदर जिस तरीके से डो लगाते हैं हम और इस तरीके से जो हमने सेका है, बिल्कुल लुक वाइज भी और टेस्ट वाइज भी तंदूरी रोटी हमारी बनकर तैयार है। और ये दाल मखनी के साथ फ्रेंड्स बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी रोटी दूसरी साइड से भी थोड़ी सी कच्ची आपको लग रही है तो आप तवा हटा के डायरेक्ट गैस पर इसको सेक सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप, अगर आपको कच्ची लग रही है वैसे तो सिक जाती है ये, अगर आपको लग रहा है कि कहीं से नहीं सिकी है तो इस तरीके से आप रोटी को सेक सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी तंदूरी रोटी बनकर तैयार है। आपका जो भी मन करता है इस पे आप या तो देसी घी लगा सकते हैं, बटर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी लगती है दाल मखनी के साथ। एक बार ज़रूर इस तरीके से आप बना कर देखिए और ये बहुत ही सॉफ्ट रोटियाँ बनकर तैयार होती हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी दाल मखनी और तंदूरी रोटी बनकर तैयार है। आ जाइए फ्रेंड्स आप भी खा लीजिए, बट आप ऐसे खा नहीं सकते, इसके लिए आपको ये रेसिपी अपने घर पर बनाकर देखनी ही होगी, यानी आपको ये रेसिपी ट्राई करनी ही होगी। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर इस रेसिपी को आप बनाकर देखिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर खिलाइए और जो रिव्यूज़ आपको मिलेंगे वो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फ्रेंड्स इस तरीके से देखिए रोटी एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस में कुछ भी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे कमेंट्स भी कीजिए सजेशन देने के लिए भी और कुछ डाउट्स आपके हैं तो वो क्लियर करने के लिए भी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।